दोस्तों यूक्रेन के अंदर आप लोगों को पता है सिचुएशन क्या बनी है आज की डेट में। तो यहाँ पर एक वीडियो में देख रहा था जो मेरे सामने यहाँ पर आई, तो इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज की डेट में एक अच्छी खासी बसी हुई सिटी जो थी, खासकर जो कि केव आप लोग देखते हैं कि कैपिटल, उसकी खस्ता हालत हो चुकी है। चारों तरफ से आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मतलब बड़े बड़े स्टोर थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी यहाँ पर जिनके द्वारा अपने आउटलेट बना रखे थे यहाँ पर। बहुत आप लोग देखते हैं कि अगर अपनी कैपिटल के बारे में आप लोग सोचोगे तो कितनी भीड़ रहती है, खासकर अगर कैपिटल के बारे में बात करते हैं, और वहां पर जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि खंडर। मूवीज भी देखी है आप लोगों ने, जब ज़ॉम्बीज़ वाली मूवीज आती है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लोग छोड़कर भाग गए, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, चारों तरफ खंडर ही खंडर दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी भयावह कंडीशन है यहाँ पर, कोई बच्चा भी आसपास आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, जैसी कंडीशन यहाँ पर बन चुकी है। तो सोचने वाली बात है यार यहाँ पर ये, ठीक है। तो चलिए, ये काफी एक बुरी कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन अभी कॉन्टिन्यूस चीजें बनी हुई है। इवन कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रन साहब, उनके द्वारा ये बोला गया कि कंडीशन जो है वो अभी और ज्यादा खराब होने वाली है। ये तो अभी इनिशियल फेज है, अभी और ज्यादा कंडीशन यहाँ पर खराब होने वाली है। तो देखते हैं यार, हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी से सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए, पर लेकिन देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो आज है 4 मार्च, बहुत शानदार आज का हिंदी न्यूज पेपर और एनालिसिस डिस्कशन यहाँ पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरा न्यूज पेपर जो है काफी डिटेल में कवर करूंगा, एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस के साथ में। तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर होगा। इसी के साथ में आप लोगों को 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी दूंगा मैं, प्रीलिम्स के भी कई सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों को, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो के एंड में आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वोकैबुलरी वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर मैप भी आप लोगों को दिखा जाएगा, यानी कि मैप की प्रैक्टिस भी आप लोगों की होगी। किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होगी तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन आप लोगों का ये रहने वाला है, जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से आप लोगों को एंजॉय करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने है आज की एक मोटिवेशन कोट, जो कि आप लोगों के दिन को एक सही डायरेक्शन देगी और आप लोगों की हिम्मत को बनाए रखेगी। बोला क्या गया है, बोला गया कि कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ जाना कि आप अकेले हो, बल्कि हमेशा यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। कहते हैं मेरा काशी अकेला काफी है, मेरी अर्थी उठाने के लिए मुझे 4 कंधों की जरूरत नहीं है। मूवी देखी होगी ना सनी देओल वाली, तो उसमें यार यही डायलॉग बड़ा शानदार लगा। यानी कि एक तरीके से अपने ऊपर इंसान जो है वो एक तरीके से वो तो खुद ही अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, इसके पापा भी, एक फादर भी इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि अकेला ही काफी है मेरा बेटा। तो सोचो अगर एक बार आप लोग के जो माता पिता हैं आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट करने लगे कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए मेरा बेटा या फिर बेटी जो है वो झुकेंगे नहीं, ठीक है, उन्हीं एक तरीके से डायलॉग भी है उनको, आप उन झुकेगा नहीं, तो वो वाली चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जिंदगी में ये टेंडेंसी अगर आप लोगों ने एक बार लेकर आ गए तो आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आसान आप लोगों को होती नजर आएगी। तो हमेशा लगे रहिए, कोई भी टेंशन आप लोगों के माइंड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सही तरीके से अगर सॉल्यूशन ढूंढना खोजने की कोशिश करेंगे तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और एक जो थंबनेल है आज का यहाँ पर, ये काफी बड़ी न्यूज कल देखने को मिली, रशिया के अंदर रॉकेट था यहाँ पर, बेसिकली उसके ऊपर कई सारी कंट्री के झंडे लगे हुए थे, तो वहां से सबके झंडे हटा दिए गए, इवन यूएसए का भी झंडा हटा दिया गया और इंडिया का झंडा वहां पर लगा रहा। तो ये एक तरीके से आप लोग देखते हैं, अभी आर्टिकल भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा जिसमें इंडिया ने अभी 2 जो काफी बड़े इवेंट देखने को मिले इंटरनेशनल लेवल पर, एक तो यूएन जनरल असेंबली का और एक था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया। एब्सटेन मतलब किसी के भी खिलाफ वोट नहीं डाला, ना किसी के फेवर में वोट डाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया। तो इसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया का यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे फेवर में यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है, ठीक है, हमारे फेवर में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो फ्रंट पेज से स्टार्ट करूंगा, फ्रंट पेज पर यहाँ पर एप्पल जो है वो भी एक तरीके से उसी लेवल पे आ गया, यानी कि जब सेल ना, जब एक तरीके से प्रोडक्ट ना मार्केट में निकल पाए तो सेल लगाने स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर एप्पल ने भी सेल लगा रखी है, पहली बार मैंने देखा इतना एक अच्छा खासा ये डिस्काउंट दे रहे हैं, नॉर्मली इतना डिस्काउंट देते नहीं है। तो अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग डिस्काउंट है, तो अगर आप लोग किसी को खरीद रहे हो तो खरीद लेना, मुझे एप्पल ने कोई पैसे नहीं दिए, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कभी बोलो सर प्रमोशन कर रहे हैं। फ्रंट पेज पूरा लंबा भरा हुआ, मैंने कहा ये देखो चलो सही है, लोग जो है पेंडेमिक की वजह से परेशान है, ये अपने फोन बेच रहे हैं, बढ़िया है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट है, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई यहाँ पर, स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूँ जो फ्रंट पेज की कुछ न्यूज है, फिर एडिटोरियल वगैरह की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट जो है उनको बुलाया गया, होस्टेज बनाया गया, जो खासकर खार्किव के अंदर में, किसके द्वारा, यहाँ पर रशियन फोर्स इसके, सॉरी यूक्रेन की फोर्सेज के द्वारा, तो पुतिन साहब के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई। पर लेकिन हालांकि एक मैंने पिक्चर भी आप लोगों के साथ में शेयर की थी, उसमें यहाँ पर जो है रशियन जो है और इंडियन जो अथॉरिटी है उनके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया
कि ऐसा कोई इंसिडेंट देखने को मिला नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि इसके पीछे जो है एग्जैक्टली सही चीजें क्या है उसके बारे में अभी कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो देखिए, इंडिया और यूक्रेन के बारे में भी अगर बात करें और इंडिया और रशिया के बारे में बात करें, तो इंडिया जो है वो काफी ज्यादा बार बार निकलकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया का ओहदा रिसेंटली अभी बढ़ गया है। एक बहुत ही एक बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारे देश के बहुत सारे नागरिक जो है दूसरे देशों में रहते हैं, तो इंडिया जो है बार बार जब से यूएन में एब्सटेन कर रहे हैं इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी, तो इंडिया के ऊपर बार बार चर्चाएं की जा रही है, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं सिचुएशन क्या चल रही है। बाकी क्वाड की मीटिंग यहाँ पर भी देखने को मिली, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा क्वाड के बारे में अभी यहाँ पर, क्योंकि क्वाड जो है वो काफी एक उभरकर यहाँ पर इश्यू सामने निकल कर रहा है, तो उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। और यहाँ पर जो यूपी के अंदर अभी जो वोट चल रही है तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो कैसे आप लोग इलेक्शन हो रहे हैं बताइए, वोटिंग वगैरह ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्वाड के बारे में अगर बात करें तो ये जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्वाड का मतलब होता है चार कंट्री, और यहां पर वो चार कंट्री कौन सी है, एक साइड में हो गया यूएसए, दूसरा जापान, तीसरा इंडिया और चौथा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो चार कंट्री है जो कि चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनी रहे। इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन हो गया और इधर हो गया पैसिफिक ओशन, तो यहां पर शांति बनी रहे। तो इस तरीके से यहां पर इनका मुद्दा रहता है और उसके लिए यहां पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये बातें बोली जा रही है। पर लेकिन ये चार कंट्री जिनको आप लोग क्वाड बोल रहे हैं, अभी अगर ध्यान से देखोगे तो इन चार कंट्री में से तीन कंट्री ऐसी है जो कि रशिया को अपोज कर रही है, रशिया जो हरकतें कर रहे हैं, पर लेकिन इंडिया यहां पर रशिया को अपोज नहीं कर रहे हैं। इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल कंट्री के तरीके से काम कर रहा है और अपने सिटीजन को वहां पर निकालने के लिए लगा हुआ है, और सिटीजन को निकालने में ये बोला गया कि इंडियन गवर्नमेंट की जो हेल्प है वो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूक्रेनियन और इसी के साथ में रशियन भी यहां पर हमारी कंट्री की हेल्प कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। हालांकि हमारे स्टूडेंट की यहां पर भी डेथ भी हुई, बाकी बहुत सारे लोगों को हम लोग यहां से निकाल पा रहे हैं। तो क्वाड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर उससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये 5i करके ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थी, इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वाड में आप लोगों को चार कंट्री देखने को मिलेंगे, ऐसे ही इस 5i के अंदर आप लोगों को पांच कंट्री देखने को मिलेंगे। अब ये पांच कंट्री कौन कौन सी है इनको आप लोग याद रखेगा, यूएसए और कनाडा एक दूसरे के लंगोटिया यार है, मैक्सिमम जहां रहेंगे दोनों साथ में रहते हैं, और मैक्सिमम जगह आप लोगों को यूके भी देखने को मिलेगा। तो ये तीन एक साइड में हो गए, और बाकी की जो दो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये भी एक दूसरे के साथ में चिपके मिलेंगे मैक्सिमम जगह आप लोगों को। तो ये पांच कंट्री है जिनको 5i बोला जाता है। तो ये 5i जो है ये क्रिएट कब किया गया था, तो ये क्रिएट किया गया था 1946 में। तो यहां पर जो यूएसए और यूके हैं वो एग्री हो गए यहां पर एक तरीके से, आज की अगर बात करें एक दूसरे के साथ में मिलकर किस तरीके से यहां पर जो इंटेलिजेंस है कम्युनिकेशन है उनको एक दूसरे के साथ में इकट्ठा करना है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर एक तरीके से जो इनकी नासा की एजेंसी है यूएसए की उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इसी के साथ में यूके भी पार्टिसिपेट करता है। कॉमनवेल्थ आप लोगों को पता है कि यूके जो है एक उसका हेड भी माना जाता है नॉर्मली देखा जाए तो कोल्ड वॉर के बाद में यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसके अंदर आकर कनेक्ट हो गए 1956 में। तो इस तरीके से आज की डेट में ये जो ग्रुप है ये पांच मेंबर का ग्रुप हो चुका है जो कि एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस गैदरिंग और कम्युनिकेशन यहां पर शेयर करते हैं। तो ये इसी के तरीके का पैटर्न एक यहां पर बनाया गया अभी क्वाड के बारे में। तो क्वाड को बोला गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। तो आप लोगों से यहां पर देखिए एक मीटिंग हो रही है, वो सारी चीजें अपनी जगह ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, पर लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। जैसे मैंने बोला था सिलेक्शन हुआ है जो भी बच्चे बोलते हैं तो ये पोर्शन काम आता है पूरा, ठीक है। तो यहां पर यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि फ्री, ओपन और प्रोस्पेरस यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन देखने को मिले। यानी कि जो ये रीजन है ऐसा नहीं कि यहां पर चाइना आकर दबदबा दिखाने लगे, अपनी हरकतें बदतमीजी काटने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, और ये आइडिया सबसे पहले दिया गया था किसके द्वारा, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब के द्वारा। तो जापान जो कि आज के डेट में यहां पर मेंबर भी है इसके अंदर में, उनके द्वारा यहाँ पर इसके बेसिकली इसके बारे में बातें की गई थी कि हाँ एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए ताकि मिलकर यहाँ पर काम किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के चलते आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग में से पीछे अपना हाथ खींच लिया था क्योंकि चाइना का काफी ज्यादा प्रेशर पड़ गया था उसके ऊपर, तो चाइना के प्रेशर में जाकर ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया। इंडिया ने भी फिर चाइना बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई क्योंकि इंडिया ने फिर जल्दी से चाइना ऑस्ट्रेलिया को अलाउ नहीं किया। जब यहाँ पर मालाबार एक्साइज के बारे में हम लोग बात करते हैं, मालाबार एक्साइज ये वही एक्साइज है जो कि 1992 में इंडिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट की गई थी और आगे चलकर इसमें 2015 में जापान जुड़ गया था, पता है ना आप लोगों को, मैंने बताया था कई बार। फिर आप लोगों को बताना है ऑस्ट्रेलिया कब जुड़ा इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया को भी बाद में जोड़ लिया गया। अब मालाबार एक्साइज में यहां पर सारी क्वाड मेंबर यहां पर आ गए, तो अब ये मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर, तो जरूरी है चीजों को प्रॉपर में आगे लेकर चलना।
तो शिंजो एबे जो है उनके द्वारा फिर से डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के बारे में बात की गई, जिसमें मिलकर सारी कंट्री बात करेंगे और पैसिफिक रीजन को सही से लेकर चलेंगे। और 2017 में ये मिलकर साथ में आ गए एक दूसरे के साथ में, तो ये सारी चीजें आप लोगों यहां पर देखने को मिल रही है। तो चाइना को टैकल किया जा रहा है वैसे तो, पर लेकिन इसमें नाम देखने को आप लोगों को मिलता नहीं है चाइना का। तो ये बेसिक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखेगा। एक और क्वाड है जिसमें इंडिया यूएसए के साथ में आप लोगों को दो और कंट्री देखने को मिलेंगे, जो रिसेंटली बहुत ज्यादा अभी न्यूज में था, उसका नाम आप लोगों को बताना है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आप लोगों से मैप बेस्ड भी बन जाते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोगों से पूछ जाते हैं। तो मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन बता दी यहां पर, एक तो क्वाड और एक फाइव आई, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है इनके बारे में, कई बार आप लोगों से यहाँ पर लिखने के लिए भी आए तो आप लोग इनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और हाँ, जैसा मैं आप लोगों से डेली बोलता हूँ यार, अपना टारगेट जो है वो डिसाइड किया करो और ढंग से कोशिश किया करो उसको फॉलो करने की रेगुलरली, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं आप लोगों ने क्या टारगेट आज बनाया है और क्या क्या आप लोग फॉलो करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में डेली आप लोग लिख सकते हैं। और जो शाम को वीडियो आती है इसके नीचे आप लोग बता सकते हैं कि कितना आप लोगों ने अचीव कर लिया है। इस तरीके से आप लोग अपने आप को एक एक टारगेट में जब बांध लेते हैं तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, और बाकी बताइएगा थम्स अप देगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं, इससे मुझे पता चलता रहता है कि फीडबैक मिल जाता है मुझे, ठीक है, और यूट्यूब को भी कि हाँ वीडियो कैसी है, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर किया कीजिए, जिससे कि एक सही तरीके से मुझे भी आइडिया चीजों का पता चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे एडिटोरियल के बारे में। ये कुछ फ्रंट पेज की कुछ न्यूज थी बेसिक, जो मुझे लगा कि पहले बता देता हूँ आप लोगों को। एडिटोरियल में बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पर, ये एक एथिक्स की कोटेशन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक मोटिवेशनल भी कोटेशन लगी थोड़ी बहुत मुझे, अगर आप लोग देखेंगे इसके ढंग से बोला जा रहा है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बट इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट ए मैन कैरेक्टर गिव हिम ए पावर, यानी कि एक तरीके से किसी भी परिस्थिति में अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर एक विपरीत परिस्थिति में भी जो है एक इंसान जो है लगभग पुरुष जो है वो सामना कर सकते हैं, माने कि उनकी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो इंसान जो है वो सामना करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो एडवर्सिटी मतलब एक तरीके से अगर गलत विपरीत स्थिति आ रही है, पर लेकिन सही इंसान की ताकत का तब पता चलता है जब आप लोग उसको पावर देते हो। तो अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा बोला गया, क्योंकि पावर में चूर इंसान जो होता है ना वो सारी उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ नजर आएगा। आप लोगों ने एक कोटेशन सुनी होगी, कई बार मैं बोलता हूं उसे, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऐसी कोटेशन है जो कि यहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं कि एक लीडर के हाथ में जब पावर आ जाती है, एक आईएएस के हाथ में जब पावर आ जाती है, एक सीएमपीएम के हाथ में जब पावर आ जाती है, तो वो उसको कैसे यूज करता है, यानी कि उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पावर आने के साथ में। जैसे ही पावर आ गई अब उसको ढंग से यूटिलाइज करना है, यानी कि पावर में चूर होकर घूम रहा है, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, कहीं पर जाकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी कि मैं तो यहाँ का डीएम हूं, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें कई सारी हरकतें करते हुए आजकल में कई सारे डीएम देखने को मिल जाते हैं, तो वो गलत है यहाँ पर। तो पावर का इस्तेमाल ढंग से होना चाहिए और इंसान का तभी पता चलता है। कमजोर तो क्या रहेगा, कोई भी दबा देगा, पर पावर होगी तो कोई दबाएगा नहीं, उस टाइम पर वो अपना आपको कितना कंट्रोल कर पाता है वो है रियलिटी। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, यस या फिर नो, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, ये जो कोटेशन अभी यहां पर बताइए, तो इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिकल यहां पर रहने वाले हैं, कुछ तो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर यूक्रेन के बारे में देखने को मिलेंगे, जिनको मैं अच्छे से यहां पर कवर करने वाला हूं। कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे वोटिंग के बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में और भी कई सारे मुद्दे हैं, पर लेकिन कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो कि यूक्रेन से हटकर है, जिनके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो यहां पर कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये वाला आर्टिकल काफी उम्दा है, इसको काफी डिटेल में बात करेंगे। अभी रिसेंटली जो यहां पर हमारी कंट्री में भी एक पर्टिकुलर जो स्कीम है पीएम केयर से रिलेटेड, जो कि बच्चों के बारे में बात करते हैं और ऑर्फन के बारे में बात की जा रही है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, सारी बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, ठीक है। यूएनएससी के अंदर जो मीटिंग की हुई उसके अंदर जो अब्सटेन किया गया हमारे द्वारा, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये वाला भी इसके बारे में है और ये वाला भी यूक्रेन के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहां पर जो साइड वाला आर्टिकल है इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो बेसिकली बातें इनके द्वारा बताई जा रही है वो आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बस वही है कि हाँ मतलब ऑपरेशंस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। वैसे ऑपरेशंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए, वही बातें रिपीट की जा रही है, पर हाँ इसको छोड़ूंगा नहीं मैं कि आप लोगों की छोड़ देगा नहीं। तो इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए थे, तो जैसे बैरूत के अंदर ऑपरेशन चलाया गया, लेबनन लीबिया के अंदर ऑपरेशन चलाया गया, वो सारे ऑपरेशन के बारे में भी एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके अच्छे से, ठीक है। तो ये बातें की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली साइंस के बारे में बात की जा रही है, साइंस और एक एथिकल डायलेमा बन जाता है। आप लोगों को पता है साइंस जो है आज के में, एक तो होता है लोगों का साइंटिफिक टेंपर जनरेट करना, और एक होता है नॉर्मली बस साइंस के बारे में एक तरीके से कि यहाँ उल्टी सीधी चीजें बता देना। जैसे मैंने बताया था ना कि कोविड-19 के टाइम पर गोबर लगा लिया, वो सारी चीजें। तो एक पर्टिकुलर आर्टिकल आप लोग यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा, ज्यादा तो कुछ नहीं, पर ये आर्टिकल आप लोग जरूर एक याद रख लीजिएगा, जो कि आप लोगों को बताना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर जब आप लोग जाएंगे हमारे देश के अंदर में,
वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहां पर रखी हुई है? तो आप लोगों को देखने को मिलेगी आर्टिकल 51A के अंदर रखी हुई है, और ओरिजिनली यहां से नहीं रखी हुई है, बाद में यहां पर ये पहुंची। बेसिकली इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जब फंडामेंटल ड्यूटी यहां पर रखी गई थी, तो इसके चलते हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, इसमें जो 51A है इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी है हमारे संविधान के अंदर में, कि कैसे साइंटिफिक टेंपर जनरेट करना है लोगों का, यानी कि लोग जो है वो साइंस को समझे। ऐसा नहीं कि कोई उनको कुछ भी बोल दे कि नाक में नींबू डाल लो तो कोरोना भाग जाएगा, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 51A आप लोगों को यहां पर ये बातें करता है, यानी कि संविधान में भी यहां पर एक तरीके से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइंटिफिक टेंपर जो है वो लोगों का जनरेट होना चाहिए। तो ये ज्यादा जरूरी है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग जो है फालतू की बातों में ज्यादा संलिप्त पाए जाते हैं, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा करते हुए पाए जाते हैं, और उसमें कई बार हमारे लीडर भी संलिप्त पाए जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। यहां पर इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग याद यहां पर रख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां से पूछूंगा जरूर, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में जब ऐड की गई तो एक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था कि हाँ ये ड्यूटी आप लोग लगा सकते हैं, तो उस कमेटी का नाम आप लोग को बताना है क्या होगा, ठीक है। बाकी जो एडिटोरियल डिस्कस करूंगा उनको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक एक कर बातें करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 2007 में यहां पर IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को नोबेल पीस प्राइज यहां पर दिया गया, ठीक है, विद वाइस प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि एक कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए, वीडियो के एंड में इनका आंसर दे दूंगा, फ्रांस, USA, जापान या फिर स्वीडन। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, क्योंकि IPCC जो है वो बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, तो इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो कि मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस भी की थी, जिसका नाम है मिलान एक्सरसाइज, मिलान नेवल एक्सरसाइज। तो यहां पर इसके बारे में तीन स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, बोला गया कि ये एक बायएनुअल एक्सरसाइज है जो कि मल्टी नेवल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, 1955 में यहां पर स्टार्ट की गई थी अंडमान निकोबार में, ठीक है। अभी फिलहाल अगर बात करें तो यहां पर चार कंट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि 1995 एडिशन था इसका। मिलान एक्सरसाइज की जो थीम यहां पर बोला जा रहा है, यहां पर कॉम्रेडरी एक तरीके से, इसी के साथ में कोहेशन और यहां पर कोलेबोरेशन, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कौन सी ये थीम है इसकी, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को यहां पर इसका सही आंसर देना है। सही आंसर जरूर दिया करो यार, आप लोग कई सारे पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा लगता है जब आप लोग ढंग से आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी ये एक्सरसाइज आ गई थी, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले आप लोगों से जो मैं बात करने वाला हूं आर्टिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं, और यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो इंटरवेंशन है। एक शब्द यूज किया जा रहा है यहां पर ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ बच्चा, अनाथ बच्चा मतलब यानी कि डेथ हो जाती है, यहां पर ऑर्फनहुड बोला गया है, यानी कि अनाथपन जब आता है यहां पर, तो यहां पर बोला जाता है कि ये तो एक मां बाप की किसी की डेथ हो जाए या फिर दोनों की डेथ हो जाए, तो COVID-19 में अभी ऐसा देखने को मिला, या फिर किसी ऐसे पर्सन की जो कि उनकी कस्टडी करता है उसकी डेथ हो जाए, तो ये सिचुएशन आप लोग को देखने को मिलेगी। एक मूवी है ऑर्फन के नाम से, यहां पर ये काफी डिफरेंट सी मूवी, हालांकि इसका इससे कोई ज्यादा रिलेशन है नहीं, पर हां फिर भी ऑर्फन इसका नाम रखा गया, क्योंकि यहां पर एक बच्ची रहती है, यहां पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ये बच्ची के गेटअप में रहती है, पर लेकिन एक बूढ़ी औरत होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर मूवी है, किस किसी ने देखी है मूवी, देखिए ये हॉलीवुड की मूवी है, पहली बार मैंने देखा, मैंने कहा ये देखो क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं, तो बड़ा ही डिफरेंट सा मुझे लगा था, तो मुझे एकदम मूवी याद आ गई। अभी जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, अभी यहां पर पहले बेसिकली डेटा समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे देश में एक स्कीम है जिसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी यहां पर एक्सपेंड की गई, तो इसके बारे में एक स्कीम भी आप लोगों की इसके साथ में कवर हो जाएगी, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, हालांकि इस स्कीम का पूरे आर्टिकल में कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को यहां पर एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेगी और आप लोगों को बेसिक चीजें और ज्यादा अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, अभी अगर बात करते हैं आर्टिकल के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं आर्टिकल में क्या बोला गया। आर्टिकल में ये बोला गया कि अभी रिसेंटली लैंसेट के द्वारा एस्टिमेट लगाया गया, यहां पर इनके द्वारा बेसिकली एक स्टडी की गई, और बोला ये गया COVID-19 की वजह से इंडिया के अंदर 19 लाख बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो चुके हैं, ठीक है, तो ये काफी बड़ी मुश्किलें इंडिया के लिए क्रिएट करेगा, ये बातें बोली गई यहां पर। तो 19 लाख जो बच्चे यहां पर बोले गए, और ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला गया कि 52 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ऑर्फन यानी कि अनाथ हो गए, यानी कि अकेले इंडिया के अंदर इन्होंने लगभग आधे के करीब बता दिए, और बाकी दुनिया में 52 लाख। तो यार देखो डेटा तो एक बार सुनने के बाद में अटपटा लगता है, पर लेकिन मुद्दा भी यहां पर यह कि इंडिया के अंदर थोड़ी ना यार इतने सारे लोग अकेले इंडिया के अंदर इतने सारे लोग अनाथ हो गए, और देश के अंदर भी अंदर पूरी दुनिया के अंदर इनके द्वारा 52 लाख बोले गए। ये जो स्टडी इनके द्वारा बोली गई है, बोला गया कि 1 मार्च 2020 से, आप लोगों को पता होगा COVID-19 की वजह से लॉकडाउन भी देश में लगा था, यहां पर अप्रैल 30 2021 तक का डेटा है,
और बोला गया कि यहाँ पर रिवाइज भी किया गया, अपडेट किया जा रहा है कि कितने सारे लोगों की जान जा रही है और क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ऑर्फन रूल की बात की जा रही है आगे फर्स्ट मई से लेकर अक्टूबर 31 तक फॉर 21 कंट्री, यानी कई सारी देश का इनके द्वारा डेटा इकट्ठा किया गया। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि हमारे देश के बारे में जब बोला गया कि 19 लाख लोग हैं, तो यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया कि ये हमारे देश के अंदर पैनिक क्रिएट करेगा और ये फालतू का डेटा जो है यहाँ पर मेंशन किया गया, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमने भी अपने आप खुद से डेटा इकट्ठा किया था। तो हमने जो डेटा इकट्ठा किया था हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, जो कि NCPCR आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके द्वारा, और इसी के साथ में बाल स्वराज पोर्टल के द्वारा, तो ये बोला गया कि हमारी कंट्री में अभी फिलहाल जो है लगभग मोटे मोटे तौर पर 1.53 लाख जो है वो यहां पर ये नंबर देखने को मिलेगा, ना कि 19 लाख, यानी कि 1.5 लाख है ना कि 19 लाख है, ये बातें यहां पर बोली गई है। तो देखिए ये तो आप लोगों ने भी देखा था, कई सारे हमारे देश के न्यूज़पेपर ने भी ये बातें बताई थी कि हमारे देश में जो आज के में बच्चे हैं बेसिकली जो अनाथ हो रहे हैं उनके साथ में बड़ी ही दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा था। तो कई सारे बच्चों को यहाँ पर नौकर की तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, तो एक तरीके से गरीबी की और बदहाली हालत में यहाँ पर आप लोगों को बच्चे देखने को मिल रहे थे, उनको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ की सर्विस भी नहीं मिल पा रही थी, तो ये चीजें नॉर्मली देखने को मिलती है। तो कोई अम्ब्रेला स्कीम लेकर आना चाहिए ये बात बोलेंगे, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि डेटा सारी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रॉपर प्रस्तुत नहीं किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कहीं पर कोई लड़ाई हो जाती है, 1,000, 2,000, 5,000 लोगों की जान चलेगी, गवर्नमेंट बताएगी 200 लोग गए हैं, ठीक है, आप लोगों को नजर आएगी चीजें, उनका बेसिक पर्पज ये भी रहता है कि ज्यादा पैनिक ना फैले। पर लेकिन यहाँ पर रियलिटी में अगर लोगों को डेटा ही नहीं पता चलेगा तो कैसे अंदाजा लगा पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है, तो ये भी एक काफी बड़ी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिकली यहाँ पर ये चीजें अनाउंस की गई है, बच्चों को बोला गया कि हम लोगों ने एक शानदार प्लान यहाँ पर लेकर आए जिसके चलते बच्चों को यहाँ पर काफी अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा। अब वो प्लान क्या है वो प्लान मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसके बारे में इनके द्वारा जिक्र हालांकि नहीं किया गया, और अभी वो प्लान न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है। तो ये प्लान किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का है और प्लान का नाम क्या है, पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। प्लान का नाम है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये यहाँ पर 18 फरवरी तक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही थी, ठीक है। ये बेसिकली ये पहले जो थी यहाँ पर अर्लियर जो थी 31 दिसंबर तक थी, अभी 28 फरवरी तक यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ताकि अगर उस टाइम पर भी किसी बच्चे के माँ बाप की डेथ हो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी, तो ये जो स्कीम थी यहाँ पर कि बच्चों की केयर के लिए यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी, तो पूरी की पूरी स्कीम यहाँ पर आप लोगों के सामने एक स्लाइड के अंदर में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्लाइड भी देखिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, SLVPDA टेलीग्राम ग्रुप है वहां से जाकर आप लोग देख लेना, वहां पर कई सारी और भी चीजें आप लोगों में शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना, बाकी PDF आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाती है। ये एक ग्रुप है जिसमें 1.5 लाख के करीब मेंबर जुड़े हैं, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बच्चा पूछ रहा था सर पैसे क्या है, पैसे कुछ नहीं है यार, पढ़ाई करो अपना और सिलेक्शन लो, ठीक है। और आंसर राइटिंग ग्रुप ये है जहां पर डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हैं और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो तीनों ग्रुप है जो कि यहाँ पर, बस इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा जो भी ग्रुप होगा वो मैं नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। ये 3 ग्रुप है जहां पर आप लोग प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करें गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी क्या किया गया कि एक तरीके से जो बच्चे कोविड-19 के लिए जिनके माता पिता की जान चलेगी उसके लिए यहाँ पर पीएम केयर को एक्सटेंड किया गया, ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या बातें देखने को मिलेगी, बोला यह गया कि मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि 18 साल या फिर उससे ज्यादा की जो 18 साल तक का मंथली स्टाइपेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर जब यहाँ पर जो इनकी जो एज होगी वो 23 साल की हो जाएगी तो फिर यहाँ पर पीएम केयर फंड से तहत यहाँ पर 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। फ्री एजुकेशन दी जाएगी इनको, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री वैसे भी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, तो वो देखने को मिलेगा जिनके अपने पेरेंट्स जो है नहीं रहे हैं फिलहाल अभी। और इसी के साथ में जो एजुकेशन लोन भी दिया जाएगा अगर आगे कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है, और उसका इंटरेस्ट जो है वो पीएम केयर से पे किया जाएगा, यानी कि बच्चे को अपना लोन देने की कोई मतलब लोन का इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, उसका इंटरेस्ट उसके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा। इसी के साथ में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में ऑलरेडी आयुष्मान भारत स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपए आप लोगों को दिए जाते हैं अगर कोई दिक्कत देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये इसकी स्कीम के तहत उन बच्चों को सबको कवर किया जाएगा, और प्रीमियम जो है वो पीएम केयर से पे किया जाएगा, उनको पे नहीं करना है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की गई, अगर बात की गई कि चिल्ड्रन जो है वो फ्यूचर के रिप्रेजेंटेटिव है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था कि हमको प्रोटेक्ट करने की काफी ज्यादा जरूरत है, और इसी के चलते यहाँ पर ऐसी स्कीम लेकर आई गई है, तो इससे बच्चों का जो फ्यूचर है वो बना रहेगा। यार ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर बच्चों को यहाँ पर ये प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती इस स्कीम के तहत में, तो आप लोगों को पता है चाइल्ड लेबर की कंडीशन काफी ज्यादा देश के अंदर बढ़ जाती है और बच्चों को यहाँ पर दिक्कतें पड़ना पड़ जाता है उस एज में जब उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। चाइल्ड लेबर के बारे में आप लोगों को पहले बताया था, हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 24 याद रखेगा वो चाइल्ड लेबर को रोकने का बात करता है फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाता है जो कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा।
बाकी अगर मुद्दे की बात करूं और यहां पर क्या क्या बातें बताई गई हैं कि कई सारे स्टेट के द्वारा भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाए गए जिसमें एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। ये तो सेंटर की बात होगी, स्टेट भी चला रहे हैं। आप लोगों को पता होगा एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है सातवें शेड्यूल के अंदर में। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जब सातवें शेड्यूल में जाते हैं तीन लिस्ट होती है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें किस किस को काम करना है उसके बारे में कई सारी बातें लिखी हुई है। तो सेंटर को काम करना है, सेंटर के बारे में बातें करेंगे, जैसे डिफेंस के बारे में बात करनी है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में तो सेंटर बात करेगा। स्टेट के बारे में जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया और कॉन्करेंट में एजुकेशन हो गया, दोनों मिलकर बात करेंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हेल्थ जो है वो स्टेट में आता है और जो एजुकेशन जो है वो आप लोग को कॉन्करेंट में देखने को मिलता है, तो इसलिए दोनों मिलकर काम यहां पर कर रहे हैं। तो कई सारे प्रोग्राम जो है वो अपडेट भी किए जा रहे हैं, सेंट्रल स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं, तो और अच्छे से काम करना चाहिए। और बोला जा रहा है कि उन बच्चों के लिए कंप्लीट लाइफ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए ताकि जो दिक्कत है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके और चीजें जो है वो अपग्रेड भी यहां पर होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएगी। बाकी पीएम केयर के बारे में बात की जा रही है, तो पीएम केयर स्कीम के बारे में आप लोग थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हमारी कंट्री में एक फंड स्टार्ट किया गया था जो किसका नाम था यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो फंड यहाँ पर इकट्ठा किया गया कोविड 19 के टाइम पर ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके, ये सब चीजें किया जा सके, तो ये फंड निकल कर आया। इस फंड में चार मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उन चार मेंबर में से एक प्राइम मिनिस्टर भी है जो कि इसको चेयर करते हैं, इनके चेयरपर्सन है, और बाकी के तीन मेंबर है डिफेंस, होम और इस फाइनेंस, यानी कि हमारी कंट्री का जो रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है और जो वित्त मंत्रालय है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। माइक्रो डोनेशन आप लोग यहां पर कर सकते हैं, यानी कि छोटा छोटा डोनेशन में 10-10 रुपए भी आप लोग डोनेट कर सकते हैं पीएम केयर के अंदर में। और यहां पर अगर आप लोग इस तरीके से डोनेट करते हैं तो आप लोगों को जो इनकम टैक्स आप लोग पे करते हैं उसका 80G जो यहां पर अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट का जो फॉर्म है उसमें आप लोगों को छूट मिल जाएगी। और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अगर यहां पर बात करें, उसने बोल दिया है कि कंपनी अगर कोई यहां पर अगर आकर डोनेट करती है तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी में जो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत यहां पर इनको छूट मिल जाएगी। इसके चलते एक और फंड है जो कि इंपॉर्टेंट है, पैरेलल में पूछ लिया है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो ये जो फंड है यहाँ पर ये 1948 में क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कई लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, जैसे 2013 में बाढ़ आई, 15 में बाढ़ आई केरला के अंदर में, तो ऐसा भी फंड है। तो दोनों को कंफ्यूज मत करेगा, दोनों फंड जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर, पीएम केयर के बारे में बच्चों के लिए जो स्कीम है उसके बारे में पूरा जान लिया, ये वाले फंड के बारे में पूरा जान लिया, अभी इस स्कीम को एक्सपेंड किया गया है, ये पर्टिकुलर डेटा जो है इसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर कल को आप लोगों को बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कंफ्यूजन इसको लेकर होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसके बारे में बेसिक चीजें जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में जानी, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल बोल रहा है कि यहाँ पर ये एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहाँ पर बात की जा रही है कि आप लोग क्या लग रहा है आज के डेट में जिस तरीके से दुनियादारी चल रही है उसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं चीजों को, कि यहाँ पर आज की डेट में जो एक ग्लोबल इंटर कनेक्टेडनेस आप लोग को देखने को मिलती थी वॉर की वजह से वो चीजें खत्म होती है और क्या जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो ढंग से काम कर रही है, ठीक है। एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने जो यूएन बना रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है हम लोगों ने, इसी तरीके से जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं अगर ढंग से देखें। इसके चलते यहां पर ये लग रहा है कि जो मल्टी लेटरल ये सारे इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में मैंने भी आप लोगों से बातें की हैं, ये सारे कहीं ना कहीं ऐसे हो गए कि ये किसी काम के नहीं है, जैसे रशिया ने यहां पर ये साबित कर दिया है जैसे यहां पर ये वॉर हुई, यानी कि हम लोग को फिर से इनको पावर देनी चाहिए और फिर से यहां पर इनके बारे में बात करनी चाहिए, वरना दिक्कतें अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। रीजन क्या है, रीजन यहां पर एक ही, अगर आप लोगों से मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो यूएनएससी के अंदर यहां पर जब यहां पर बात करें ईरान और नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ में बकायदा आसानी से बातें की गई हैं जो यूएसए के साथ में, यूएसए के द्वारा भी। और यहां पर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उनने भी शांति से बातें करने की कोशिश की यहां पर इनके साथ में, यानी कि ऐसा नहीं कि कंट्री में घुस गए और जाकर तबाही मचा दी, जैसे इनके द्वारा अलग अलग कंट्री में यहां पर ये हरकतें देखने को मिली, जैसे कंडीशन अभी यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिली घुस गए जाकर यहां पर ये यूक्रेन के अंदर में, सेम कंडीशन यहां पर अफगानिस्तान के अंदर जाकर यूएसए घुस गया था, पास्ट में ऐसी और भी कई सारे देश के साथ में हरकतें की गई, वियतनाम के अंदर जाकर यूएसए घुस गया। अगर इन देश के पास में न्यूक्लियर वेपन होते तो क्या इनकी हिम्मत हो जाती है ऐसे देश में घुसने की, क्या रशिया जो है इस तरीके से घुस जाता अगर यहां पर यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर वेपन होते। तो यहां पर ये दुनिया को मजबूर कर रहे हैं आखिर में कि अपने पास में न्यूक्लियर वेपन रखो तो तुम कितनी बदतमीजी काटो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जैसे नॉर्थ कोरिया आखिर में काफी एक जीता जाता उदाहरण है। आप लोगों क्या मानना है इसके बारे में, यानी कि डिटरेंस क्रिएट करने वाली बात हो गया, नहीं तो सामने वाला बंदा अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़कर बैठ गया, यहां पर जैसे यूक्रेन हो गया, लीबिया हो गया, इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिए, तुम लोगों ने जाकर उनके ऊपर तांडव डांस कर दिया, तो ये कितना सही है ये समझना पड़ेगा। और यूएन जो बॉडी है यहां पर वो कुछ नहीं कर पा रही है, सारे जो है एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि
मैंने कहा था एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में पावर तो है पर लेकिन मतलब पावर ही नहीं है, मतलब कहने के लिए बस चढ़ा दिया है कि हाँ ये कुछ कर सकता है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आज की डेट में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा है। आज के डेट में अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, पहले वो साथ हो दिया नेटो ज्वाइन कर लो, नेटो ज्वाइन कर लो यूक्रेन को। अब यूक्रेन ने जब यहाँ पर ये बातें पब्लिकली बोल दी तो रशिया गुस्सा आ गया। अब यहाँ पर जब बात आ गई तो वो सारे पीछे हट गए, तो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, बस पीछे से सपोर्ट करते रहो वहां पर तो कानी कंडीशन खराब हो चुके ना ग्राउंड लेवल पर, तो उसके बारे में कौन बात करेगा। तो ये जरूरी है कि हम लोग को सोचना चाहिए, इंडिया के द्वारा एब्सटेन किया गया यहां से, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली, तो हर एक कंट्री अपने हिसाब से काम कर रही है, पर हमारे लिए तो पॉजिटिव भी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सिचुएशन हमें हर जगह रशिया ने सपोर्ट किया है। पर लेकिन सिचुएशन अगर और भी ज्यादा खराब हो रही है, अब ये एक कंट्री के बारे में बात नहीं है कि हमारी कंट्री के लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, हमारे लिए काम हो गया है। अब यहां पर ये एक तरीके से ऐसी चीजें हो गई कि ये एक नहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया। छोटी छोटी बच्चे हैं यहां पर, एक तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन भी होगी, बुजुर्ग लोग भी होंगे, तो सबकी कहानी जो है वहां पर खराब हो रही है। कोविड 19 ने ऑलरेडी दुनिया को हिला रखा था, रशिया की इस त्रासदी ने और ज्यादा अभी सिचुएशन खराब कर दी है, और यूएन यहां पर कुछ कर भी नहीं पा रहा है, वो बस बैठा बैठा दूर से देख रहा है तमाशा। जैसे घर में नहीं होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बुजुर्ग लोग रहते हैं बेचारे, वो बोलते रहते हैं ऐसा मत करो ऐसा मत करो, पर लेकिन जो जवान हो चुके होते हैं उनको लगता है कि बूढ़ा है, क्या क्या समझ रहा है, फालतू की बातें बोल रहा है। पर लेकिन रियलिटी में उसकी बात अगर मान ली जाए तो उस इंसान के पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, पर लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, अलग ही ताव में रहते हैं। तो यह क्या यूएन के चार्टर का हनन नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल यूएन के चार्टर का हनन है यहाँ पर। पहली बार अगर बात करें इंडिया तो ये बात झेल भी चुका है, जब 1948 में पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था बेसिकली, और यहाँ पर एक लड़ाई देखने को मिली थी, तो सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमसे बेटर कौन समझ सकता है? उसके बाद भी हम लोग जो है एब्सटेन कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ मुद्दे बोले गए, तो ये सही तरीका नहीं है। अगर कोई पता है गलत कर रहे हैं और अपने पर्सनल गेन के लिए हम लोग ऐसे स्टेप उठा रहे हैं, हालांकि देखिए राइटर जो है वो अपनी जगह भावुक हो रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी ये है कल को चलकर कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। जरा सी देर में ये जो सारे यूएसए वगैरह सारे हैं ये जरा सी देर में पलटे हुए मिलेंगे अगर इनको अपना फायदा देखने को मिलेगा। और पास्ट में मतलब ऐसे देखा भी है, काम करना है तो काम करना चाहिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पर, यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आप लोगों को याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या प्रेशर डाला था उस टाइम पर, ठीक है, पैसा देना बंद कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बातें वो बोलते हैं कई बार मानने के लिए लोग तैयार नहीं रहते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अपने फायदे के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ बोलना भी गलत बात होगी। तो रशिया जो हरकतें यहाँ पर कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड रोक ही नहीं पाए उसको किसी भी तरीके से, क्योंकि वो भी पावरफुल कंट्री है, कोई कुछ करेगा तो वो अपना सारी स्टेप उठाएगा। और अभी जैसा मैंने बोला इमैनुअल मैक्रोन साहब ने बात करके इनके साफ साफ बोल दिया कि सिचुएशन जो है वो आगे और ज्यादा खराब होने वाली है, ये बातें ऑलरेडी इमैनुअल मैक्रोन साहब बोल चुके हैं। अब कितनी खराब होने वाली है यार ये तो टाइम बताएगा, अभी लगभग 8 दिन पूरे हो चुके हैं यहाँ पर लड़ाई चलते चलते, अब तक कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, सबके सारे शामदान दंड भेद जो है वो धरे के धरे रह गए। अभी कहां से सिचुएशन आगे सही सुधरने वाली है तो बातें अभी देखने को मिलेगी। तो ये पूरा मुद्दा है जिसके बारे में आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं एक एडिटोरियल जो हालांकि इसके बारे में कल मैंने आप लोगों से बातें की थी, वही सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। यूएन के अंदर टोटल मिलाकर 193 मेंबर हैं यहां पर, जिसमें से 141 मेंबर के द्वारा यहां पर रशिया की अपोजिट में वोट डाली गई, ठीक है। बाकी यहां पर कई सारे मेंबर और देखने को मिलेंगे जिसमें से यहां पर कई सारे मेंबर ने क्या किया रशिया के सपोर्ट में वोट डाला, जैसे बेलारूस हो गया, एरिटेरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सीरिया हो गया, ये लंगोटिया यार है रशिया के। और 35 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, एब्सटेन मतलब किसी को वोट नहीं डाला, भाई साहब अपने घर बैठे तुम्हें जो करना है कर लो, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो अभी रशिया के द्वारा जो ट्रूप्स है उनको बोला गया यूएन के द्वारा उनको वापस लेकर आओ, पर लेकिन सुन कौन रहा है यहाँ पर, अब तक नहीं सुने तो आप कैसे सुनेंगे यहाँ पर। तो इसके चलते अभी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर यूएनएससी के अंदर अभी यहाँ पर और यूएनजीए के अंदर यूएनएससी के अंदर टोटल मिलाकर कितने मेंबर है उसके अंदर टोटल 15 मेंबर है, ठीक है। तो उसमें से 11 मेंबर आप लोगों ने देखा यहाँ पर पॉजिटिव वोट डाला, इंडिया ने वहां से भी एब्सटेन कर लिया, तो सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो दोनस्क और लुहांस्क जो रीजन है यहाँ पर ऑलरेडी रशिया इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो ये कितना सही है। तो यहाँ पर पीस लाने की बात की जा रही है यूएन सिक्योरिटी जनरल असेंबली के अंदर में, लेकिन कोई ज्यादा इसके बारे में सोच नहीं रहा है क्योंकि इसके पास में दांत ही नहीं, किसी को काट ही नहीं सकता, तो कैसे क्या करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर ये कि अब मुद्दा क्या चलेगा उसको देखने वाली बात है। इंडिया ने एब्सटेन किया ये यहां पर, हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरा प्रेशर डाला हमारे ऊपर कि ऐसा कैसे कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं कर सकते, पर हमको भी अपने बारे में सोचना पड़ता है क्योंकि कल को तुम तो जरा सी देर में छोड़कर भाग जाते हो, तो हमको अपना हिसाब सोचना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहां पर एब्सटेन कर लिया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना। इसी के साथ में हमारा तो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, कल को चलकर कोई कंडीशन होती है तो रशिया हमारा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, तो वो सारी चीजें हैं। पर लेकिन एब्सटेन करना बीइंग ए पावर, अगर एक पावरफुल कंट्री है और हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया गलत कर रहा है, उसके बाद भी हम लोगों को कुछ स्टेप नहीं उठाना और हम लोग बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, तो कितनी हद तक यहाँ पर ये सही है तो वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। यानी कि दोनों ही चीजें हैं, अगर हम लोग अपना आपको ग्लोबल लीडर दिखाना है
तो फिर ये इस तरीके की चीजें थोड़ा सा हम लोग को सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। कोई गलत बोल रहा है तो उसको गलत मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उससे हमारा फायदा हो रहा है तो हम लोग उसको गलत ना माने। तो ये एक अच्छी बात भी बोली जा रही है हालांकि यहाँ पर, लेकिन वही बात फिर से मैं बोलना चाहूंगा, कौन दोस्त कौन दुश्मन वो एक अलग पैटर्न में आप लोगों को सारी चीजें नजर आएगी। उसमें यहाँ पर इस तरीके से बोल के चलना कि अच्छा ये सही है और ये दोस्त है ये दुश्मन है, तो वो इसमें कैसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो एक अलग मुद्दा यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। आप लोगों का क्या मानना है यहाँ पर इसके बारे में, जो भी बातें हैं कि ये सही है इंडिया ने गलत किया फिर सही किया, यस या फिर नो, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों की भी एक राय होनी चाहिए। और कल को चलकर आप लोग एक गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठोगे तो आप लोग भी यहाँ पर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हुए नजर आओगे। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूएन के अंदर में, उनका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, उनका नाम भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यह बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं यूएन जो है यहाँ पर जनरल असेंबली के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में मैं टोटल आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। पहले तो इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको बोलते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर अभी कल परसों में, उसमें यूनाइटेड नेशन हम लोगों ने सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस किया था। सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं जैसे कि एक नॉर्मल तरीके से जब आप लोग अपनी कंट्री में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर में एक पर्टिकुलर जैसे कि कैबिनेट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कैबिनेट क्या होता है, वो मंत्रियों का एक ग्रुप होता है जो कि डिसीजन लेता है। ऐसे ही यहाँ पर जो यूएन जनरल असेंबली है वो पार्लियामेंट होगी, और उसके अंदर जो यहाँ पर यूएनएससी है यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर है, तो वो आप लोगों का यहाँ पर कैबिनेट हो गया। तो वो उस कैबिनेट में इंडिया के द्वारा एब्सटेन किया गया था, किसी भी वोट में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, हम लोगों ने मना कर दिया था। इनडायरेक्ट वे में बोले तो हम लोगों ने रशिया को सपोर्ट कर दिया था। पर लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पर मीटिंग देख रहे थे जिसके अंदर यहाँ पर सारी बातें आएगी, ये है बेसिकली यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली में टोटल मिलाकर 193 मेंबर है। तो 193 मेंबर में से यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग डेटा याद रखना चाहते हैं तो 141 मेंबर जो है उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, वोट जो है वो रशिया के अगेंस्ट में किया गया, यानी कि रशिया की हरकतों को यहाँ पर बेसिकली जो एग्रेशन है उसको यहाँ पर अपोज किया, ये नहीं होना चाहिए था, यानी कि रशिया जो है वो गलत कर रहा है, 141 मेंबर के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया। इसी के साथ में यहाँ पर 5 मेंबर ऐसे थे जो कुछ चहेते हैं जिनके द्वारा रशिया का सपोर्ट किया गया, और यहाँ पर टोटल 35 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया ये ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन कर लिया यानी कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो यूएनएससी है यहाँ पर यूएन जो यहाँ पर जीए हैं यूएन जनरल असेंबली, इसके अंदर ये टोटल जो क्रिएट किया गया था 1945 में क्रिएट किया गया था, और बेसिक पर्पज यार यहाँ पर उस टाइम पर यही हुआ करता था कि आज के डेट में चीजें जो है वो इस तरीके से चले कि कोई बुरी कंडीशन यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में देखने को न मिले और शांति बनाकर रखी जा सके। क्योंकि जब ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हो चुकी थी तो ये लग रहा था आगे भी अगर कंडीशन ऐसी बनेगी तो कैसे काम चलेगा। तो उसी के चलते यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश की गई थी ताकि आगे चलकर ऐसी चीजें न देखने को मिले, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा आप लोग पूछे कि यहाँ पर अपोज किसने किया उसके बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ देश हैं जिनके बारे में आप लोग देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है रशिया खुद ही आप लोग देखते हैं, इसी के साथ में सीरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीरिया जो है वो रशिया का लंगोटिया यार आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में इक्वेटोरियल गुनिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को एक और कंट्री बेलारूस जो कि यहाँ पर लंगोटिया यार है, ये कुछ ऐसे देश है जिन्होंने यहाँ पर रशिया को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। बाकी अगर इस ग्रुप के बारे में आप लोग बात करते हैं जिसको हम लोग यूएन जो जनरल असेंबली बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। स्टार्टिंग में जब यहाँ पर बनाएगी तो आप लोगों ने नाम सुना होगा लीग ऑफ नेशन का, जब हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो लीग ऑफ नेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो गई दुनिया के अंदर में तो जो त्राहिमाम मचा उसको रोकने की कोशिश की गई। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ जो यहाँ पर वर्सलाइज आप लोगों को देखने को मिली जिसने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की गई। इसी के बाद में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी निकल कर आई, जो कि 1919 में क्रिएट की गई। अभी रिसेंटली 2019 में पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए थे इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी अफिलेटेड है यहाँ पर लीग ऑफ नेशन के साथ में। और फिर आगे चलकर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एक शब्द जो निकाल कर लेकर आया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है। ये जो यूनाइटेड नेशन जो है ये शब्द कॉइन किया गया यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको लगा यार यूएसए जैसे ही कुछ कर देते हैं तो यूनाइटेड तो यूएसए का उठा लिया और सारे नेशन को जोड़ दिया उन्होंने। जैसे यूनाइटेड स्टेट है यहाँ पर क्या होता है, यूएसए के अंदर में 50 राज्य जो हैं वो एक साथ में आकर बैठते हैं, तो इनको लगा यहाँ पर 50 राज्य एक साथ में आकर बैठते हैं इनको यूनाइटेड स्टेट बोल देते हैं, यहाँ पर दुनिया भर के नेशन देश एक साथ में आएंगे तो इसको यूनाइटेड नेशन बोल देते हैं। मतलब ऐसे ही कुछ सोचा होगा इन्होंने जहां तक मुझे लगता है। आप लोग की क्या राय है आप लोग बता सकते हैं। इसके अंदर टोटल जो ऑर्गन है वो आप लोगों को 6 ऑर्गन नजर आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली हो गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ठीक है, इसी के साथ में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, ट्रस्टशिप हो गया, इसी के साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया और यूएन सेक्रेटेरिएट हो गया। ठीक है, तो अभी जो
हम लोग यहाँ पर बात करें वो यूएनजीए के बारे में बात करें, और अभी हम लोगों ने जो बात की थी यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की थी, तो ये कुछ ऐसा फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बेसिक चीजें यहाँ पर जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, 1945 में इसको बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में याद रखते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया था अब्दुल्ला सईद को, ठीक है। तो ये कौन थे, ये यहाँ पर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर थे जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर चेयरपर्सन है किसके, यूएन जो जनरल असेंबली है इसके। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर बन गई थी, हम लोग जो है यहाँ पर मालदीव के साथ में जाकर जुड़ गए थे, जबकि यहाँ पर अफगानिस्तान के भी एक नेता यहाँ पर खड़े हुए थे उस टाइम पर जब ये चीजें देखने को मिली। पर अच्छा हुआ हम लोगों ने अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि अफगानिस्तान में आप लोगों को पता है कि कंडीशन कैसी बन चुकी थी थोड़े टाइम बाद में। तो यूएनजीए के जो अंदर आप लोग देखते हैं यहाँ पर टोटल 193 मेंबर है यहाँ पर, हेडक्वार्टर इसका आप लोग को न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, और प्रेसिडेंट जो है अभी फिलहाल मालदीव के यहाँ पर अब्दुल्ला सईद है। तो जो इलेक्ट हुए यहाँ पर 76th जो प्रेसिडेंट यूएनजीए के अंदर में, ठीक है। तो ये 7 जून 2021 में जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था उस टाइम पर ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई भी थी। तो यहाँ पर आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन भी अभी हो रहा है, ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, ये आप लोगों को न्यूज़पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी इसको बोला जाता है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था यूएन जो जी है उसको पार्लियामेंट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, और यूएनएससी जो है जिसको यूएन सिक्योरिटी हम लोग काउंसिल बोलते हैं उसको आप लोग अपनी कंट्री के कैबिनेट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और वहां पर वीटो पावर भी आप लोग को देखने को उनके पास में मिलती है। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट मैटर जैसे कि शांति कैसे बनाकर रखनी है, कोई भी इंटरनेशनल इशू है जैसे अभी यूक्रेन का इशू आगे इसमें कैसे काम करना है, तो इनके खिलाफ इनके कैसे डिस्कशन होता है उनके खिलाफ या फिर फेवर में वोट डाली जाती है और वोटिंग पावर यहां पर दी जाती है, सिंपल मेजोरिटी रहती है यहां पर अगर कोई भी यहां पर कंसीडर किया जाता है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऐसे भी है यहां पर 2/3 भी वोटिंग यूज की जाती है, ठीक है। अगर बात करें अनलाइक सिक्योरिटी काउंसिल नो वीटो पावर, इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि कोई भी वीटो पावर नहीं होती, ठीक है। तो वीटो पावर जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि यूएनएससी के अंदर में खुद रशिया के द्वारा वो डिसीजन जो था वो वीटो कर दिया था क्योंकि उसके पास में वीटो पावर है, पर लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हर एक इंसान के पास में, इंसान मतलब कंट्री के पास में अपनी वोट है जो वो यूटिलाइज कर सकता है या फिर एब्सटेन कर सकता है। तो यहाँ पर अभी जो वोटिंग हुई वो इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिली जो रशिया के मुद्दे पर यहाँ पर वोटिंग की गई है। अच्छा, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि वोटिंग के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है जो यहाँ पर वीटो पावर होती है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर यहाँ पर रखी गई है, बेसिकली इसके अंदर चार्टर के अंदर। तो कौन सा आर्टिकल है ये आप लोग बताएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है रिसेंटली अभी जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है। मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया ये एसटीओ क्वेश्चन बन जाएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सायल। तो यहाँ पर इस ट्रीटी के बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है और बन भी चुका है अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है ट्रीटी ऑफ वर्सायल के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी 1919 में 28 जून को यहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी। इसमें जर्मनी के द्वारा जो अतकी मचाई गई थी उसको रोकने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो भी कंट्रोल की गई थी एरिया जैसे अफ्रीका एशिया पैसिफिक के अंदर में उनको सबको सरेंडर करने की बात की गई थी, ठीक है। इसी के साथ में अदर नेशन जैसे कि यहाँ पर फ्रांस पोलैंड हो गया, तो इससे रिलेटेड जो टेरिटरी थी उसके बारे में बात की गई, रिड्यूस किया गया इसकी मिलिट्री को भी। इसी के साथ में यहाँ पर इनको पे करने की बात की गई, अलाइड जो एरिया थे यहाँ पर, ठीक है, इनके जो अलाइड कंट्री थी यहाँ पर उनके लिए पे करने की बात की गई क्योंकि इनके द्वारा काफी उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ था अलाइड कंट्री का, अभी अलाइड कौन सी उनके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो भी एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया कि जर्मनी जो है उसने वॉर जो है वो बड़ी ही कंडीशन एक तरीके से खराब की जिसकी वजह से जर्मनी की वजह से वॉर हुई, यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा जो है वो कोई गलत काम करते और उस बच्चे को इतनी ज्यादा यातनाएं दे दो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए अंदर से। तो जर्मनी के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, उसकी सारी पावर छीन ली गई, उसको बेसिकली गिल्टी बताया गया सारी, मतलब ये इतनी बड़ी बेइज्जती थी जर्मनी की जिसकी कुछ हद नहीं है। तो वहां से अब जर्मनी को बेसिकली शांति में बैठने का मतलब बनता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज के दिन में सेम कंडीशन अगर पुतिन साहब के साथ में चल रही है तो पुतिन को बिल्कुल चारों तरफ से गाली देना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी वजह से दुनिया बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो पुतिन फ्रस्ट्रेट हो गए, पता चला बॉम्ब गिरा दे, ठीक है, पता चला उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया कि कर लो जो करना है, ठीक है, मेरी जिंदगी वैसे ही पूरी हो चुकी है, मेरी जो मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहा हूं, तुम ऐसे तैसे कराते रहो जो कराना है। तो सामने वाले को इतना भी फ्रस्ट्रेट मत करो कि वो अपना आपा ही खो बैठे। जर्मनी के साथ में ऐसा ही किया गया, सारे प्रतिबंध उसके ऊपर लगा दिए, उसकी आर्मी छीन ली, उसके एरिया छीन लिए सारे, ऊपर से उसके ऊपर पैसे पे करना है वो लगा दिया, मतलब उसको बोला तुम ही बेइज्जती, तुम मतलब खूब बेइज्जती की गई, तुम्ही की वजह से वार हुई है, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो जो ग्रुप था यहां पर दो पार्ट में डिवाइडेड था, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर जो आप लोगों को देखने को मिलता था, तो ये एक साइड में लड़ रहे थे और दूसरी साइड में अलाइड पावर थी जिसमें ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस रशिया इटली रोमानिया जापान यूएसए। इंटरेस्टिंग यहां पर ये है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यूएसए था वो यहां पर रशिया के साथ में मिलकर काम किया करता था,
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग बात करते हैं, पर लेकिन आगे चलते चलते यूएसए का ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं खो गया और किसी के चलते यहाँ पर ये रशिया जो है वो अपोजिट साइड में जाकर खड़ा हो गया। तो सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन इसके बारे में आप लोगों को नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया जरूर रखेगा। कुछ और बातें अगर आप लोग बात करें, यूएनजीए के अंदर जो सब्सिडरी ऑर्गन है, यानी कि वो तो मैंने 6 आप लोगों को बताई दिए, यहाँ पर और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी यूएनजीए के अंदर में। तो इसको याद रखते हैं, जैसे डिसआर्मामेंट कमीशन हो गया, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में से न्यूक्लियर की जो चीजें हमको खत्म करना है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन हो गया, इंटरनेशनल सिविल जो सर्विस कमीशन हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पर कोएलिशन ये कमीशन फॉर द पैलेस्टीन के बारे में बात की जाती है, इसी के साथ में ये कई बार आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, जिसको यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनल ट्रेड और लॉज बोलते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यूएन नेशन का जो यहाँ पर पीस बिल्डिंग कमीशन है वो भी है। इनके मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली को आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसे शांति बनाकर रखना है दुनिया में उनके बारे में काम करती है। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों इसके बारे में जानना है तो कुछ और चीजें मैंने ऐड कर दी है, सारी ये स्पेशलाइज एजेंसी जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, इनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर भी, और ये सारी रिलेटेड जो बॉडीज हैं ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी स्पेशलाइज एजेंसी है, तो ये सारी दे रखी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनको नोबेल प्राइज मिल चुके हैं सबको, अगर आप लोग जाकर देखोगे अलग अलग कामों के लिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में। तो ये थोड़ा सा होमवर्क मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप लोग देखेगा इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा कम से कम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आज ही सबको पढ़ देना है, मतलब थोड़ा सा टाइम निकालते रहिएगा और इनकी एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ता रहिएगा। वैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं भी कवर करते रहता हूं, जैसे शाम को जब वीडियो आती है आप लोगों की जो 8:30 बजे, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम कवर करता रहता हूं, तो ऐसा नहीं है, तो जहां जहां पर मुझे मौका मिलता रहेगा मैं कवर करता रहूंगा और बाकी कुछ आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में आप लोग देख लेना, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कई सारे जो सिटीजन है हमारे उनको वापस लाया जा रहा है, एब्सटेन तो यहाँ पर हो गए, अभी किरण रिजिजू साहब जो उनके द्वारा बोला गया कई सारे लोगों को अभी वापस लेकर आए स्लोवाकिया से, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा जो है उसके बेस पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, और आसपास वाले रीजन में यहाँ पर जैसे कि स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, मालदो हो गया, रोमानिया हो गया, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अपनी कंट्री के लोगों को बोल रहे हैं कि वहां से निकलकर तुम लोग यहाँ तक पहुंचो, तो इसके चलते लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो पा रही है, ठीक है, यानी कि अपने लोगों को हम लोग वहां से निकाल पा रहे हैं। और ऑपरेशन गंगा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, ऑपरेशन गंगा के बारे में आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री के द्वारा चलाया गया यूक्रेन से निकालने के लिए, इसी के साथ में सारे ऑपरेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जहां से डायरेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे ऑपरेशन वंदे भारत हो गया, ये हम लोगों ने कहां से किसके लिए चलाया था, तो ये हमारी कंट्री के COVID-19 के जो फंसे हुए लोग थे उनको निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु हो गया, तो ये बेसिकली नेवी के द्वारा चलाया गया था COVID-19 के लोगों को निकालने के लिए। इसी के साथ में ऑपरेशन ब्रसेल्स हो गया, यहां पर 2016 में बेल्जियम से अपने लोगों को निकाला गया था जब टेररिस्ट अटैक वहां पर हुआ। ऑपरेशन राहत हो गया, यहाँ पर ऑपरेशन राहत हो गया और ऑपरेशन सुकून हो गया, दोनों कंफ्यूज मत करना। 2015 में यहाँ पर ऑपरेशन राहत था, ये यमन से लोग निकाले गए थे, और ऑपरेशन सुकून जो था ये बैरूत बेसिकली लेबिनन के ऊपर जब यहाँ पर अटैक किया गया तो उसमें से यहाँ पर लोगों को निकाला गया, और सी लिफ्ट इसको बोला गया, ठीक है। कुवैत का आप लोगों को पता ही है एयरलिफ्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को निकाला गया था, और ऑपरेशन मैत्री जो है ये नेपाल के अर्थक्वेक से लोगों को निकाला गया। ऑपरेशन सेफ होमकमिंग जो है यहाँ पर अपने सिटीजन को लीबिया से निकाला गया। तो ये सारी जो लिस्ट है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम पर भी, SLVPDA टेलीग्राम पर आप लोग जाएंगे तो पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी है। और एक और यहाँ पर जो मैंने कल शाम आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था शाम वाली वीडियो के अंदर में, इंडिया और यूएसए के रिलेशन को लेकर वो सारी बातें, और रशिया के लिए क्यों हम लोग वोट डाल रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। और यहाँ फिर माइंड से निकल जाएगा ये, एक बात और याद रखना, पूरे फरवरी महीने की कंप्लीट करंट अफेयर जो है वो ऑलरेडी आप लोग अपलोड कर दिए, उसको जरूर रिवाइज कर लेना, और उसकी PDF भी मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस है थोड़ा सा एग्जाम को लेकर तो इसको आप लोग जरूर देख लेना, PDF पूरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे की प्रोवाइड करा दी है, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों की कंप्लीट जो फरवरी करंट का है वो अफेयर उसकी भी वीडियो PPT मतलब PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। और रेगुलर 2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, इनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करा करो, अगर रियलिटी में सीरियस हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोग को ये अटेम्प्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से। आधा घंटा निकाल कर भी लिखोगे ना, कम से कम एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग लिखोगे तो अभी आप लोग एक प्रॉपर पैटर्न में रहोगे, ऐसा नहीं कि बस प्रीलिम्स क्लियर करना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स को छोड़ देना है, मैं ये कह रहा हूँ कि बस आधा घंटा 24 घंटे में से निकाल लो, ठीक है। ये आप लोगों को उस टाइम पर फील होगा जब आप लोग मेंस में बैठे होंगे, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी रट के चले जाओगे और वहां पर जो मेन चीज होती है वो आप लोग नहीं कर पाओगे, तो फिर लगेगा यार एक साल बर्बाद कर दी। तो इसलिए ढंग से चीजों को लेकर चलो यार, जब भी चलो उन्हें कहते हैं काम को करो तो ऐसा करो कि मजा आ जाए कि हाँ हम लोगों ने इसको ढंग से किया है, तो वाली चीजें आप लोगों को देखकर चलनी है। तो यूएनजीए के बारे में पूरा जान लिया, ऑपरेशन के बारे में मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना और वहां पर भी शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, तो आप लोग उसको देख लेना। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बता देना, उसको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे कुछ और पोर्शन देखते हैं यहाँ पर, इसमें ऑलरेडी स्टार्टिंग का पोर्शन में आप लोगों को कवर करा चुका हूँ, क्वाड के बारे में और क्या कंडीशन चल रही है,
ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था न्यूज एनालिसिस वाला कुछ पोर्शन, ठीक है। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोग याद रख सकते हैं, संसद टीवी के बारे में, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा यहां पर पूछा भी गया था, सर ये संसद टीवी कैसे हो गया, पहले राज्यसभा टीवी था, तो रिसेंटली अभी इसके अंदर चेंज किया गया, उसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। और रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, संसद टीवी जो है यहाँ पर हमारी कंट्री में भी जो बनाया गया, तो यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू बनाया गया। पहले यहाँ पर आप लोगों को पता है, यहाँ पर बेसिकली लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर इसको मर्ज कर एक पर्टिकुलर टीवी बना दिया, जिसको हम लोग संसद टीवी बोलते हैं। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो है यहाँ पर रवि कुमार जो है अपॉइंट किया गया यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है, कमेटी बनाई गई थी 2019 में, जिसके द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया, प्रसार भारती के चेयरमैन थे जिनका नाम था सूर्य प्रकाश। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी गया है और आगे भी बन सकता है। यहाँ पर अगर बात करें पार्लियामेंट की वर्किंग के बारे में, आप लोगों को पता है लोकसभा राज्यसभा उनके डिबेट दिखाती है, वो सारी चीजें सही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर काम करेगी। जैसे लोकसभा टीवी होगा उसमें जो भी चीजें टेलीकास्ट होंगी वो हिंदी में होंगी, और राज्यसभा टीवी होगा उसमें सारी चीजें जो होंगी वो इंग्लिश में टेलीकास्ट होंगी। ऐसे भी कुछ चीजें यहाँ पर देखने की बातें की गई, यानी कि प्रॉपर वे में चीजों को कवर करने की बात यहाँ पर की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो ये चीजें अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो बेसिकली इसको बनाया अभी गया था, जैसे प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस कर दिया था यहाँ पर, बेसिकली प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने, ऐसी बातें आप लोगों से यहाँ से भी पूछी जा सकती है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आ रही है, आंध्र प्रदेश हमारी कंट्री में साउथ इंडिया के अंदर एक राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां पर दिक्कत ये देखने को मिल रही है कि वहां पर अपनी जो कैपिटल थी, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश जो था वो अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया, मतलब एक तरीके से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक नया राज्य लगा दिया। तो पहले कैपिटल हैदराबाद थी, अब यहाँ पर अमरावती कैपिटल है, पर लेकिन अमरावती के साथ में और कई सारे एरिया को इनके द्वारा अपनी कैपिटल बनाने की कोशिश की गई, पर हाईकोर्ट ने उसको अभी रद्द कर दिया गया और बोला गया कि ये सही तरीका यहाँ पर नहीं है, एक सही प्लान नहीं है, एक सही पैटर्न में आप लोगों को लेकर नहीं चल रहे यहाँ पर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कैन नॉट चेंज कैपिटल, तो ये बातें की जा रही है, तो एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर, इसको बोलते हैं मेकादातु प्रोजेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तो बार बार ये न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। मेकादातु प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर, ये लगभग 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका टारगेट क्या है यहाँ पर कि बेंगलुरु जो सिटी है बेसिकली यहाँ पर कर्नाटका के अंदर में, उसको प्रॉपर ड्रिंकिंग पानी यहाँ पर मिल सके। तो ये लगभग 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, कर्नाटका के द्वारा पहली बार 2017 में इसको प्रपोज किया गया। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी में आ गया, तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इंटरस्टेट रिलेशन के बारे में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए, तो यहाँ से टॉपिक आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेकादातु जो प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि कई बार मुद्दा बन जाता है इशू। तो यहाँ पर ये तो पूछेंगे नहीं इसको इंप्लीमेंट करना है क्या करना है, तो ये स्टेटिक पोर्शन आप लोगों से पूछेंगे जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अप्रूवल यहाँ पर अगर बात करें तो कई जगह से इनको लेना पड़ रहा है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, तब जाकर चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। मेकादातु प्रोजेक्ट में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 63% यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, और कावेरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर सबमर्ज हो जाएगी, तो उसके चलते यहाँ पर काफी बड़ा मुद्दा है। तमिलनाडु इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया, बोला गया कि यहाँ पर ये जो कावेरी रिवर है इसके वाटर फ्लो को यहाँ पर इंपैक्ट डालेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो भी यहाँ पर चीजों को देख रही है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चलाएं, तो तमिलनाडु ने वहां पर भी जाकर बोला कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सही नहीं है, इसको आप लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये बार बार न्यूज में आ जाता है। कावेरी अगर रिवर के बारे में बात करें तो याद रखिएगा साउथ इंडिया के अंदर इसको पोनी बोला जाता है, ठीक है, तो आप लोग ये एक रिवर भी कवर करा देता हूँ प्रोजेक्ट के साथ साथ में, जिससे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कई बार इसको साउथ की गंगा भी बोलते हैं। वैसे अगर बात करें कहां से निकल कर आती है, ये ब्रह्मगिरी जो हिल है वेस्टर्न घाट से निकल कर आती है, ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी और कई सारे राज्य में एक तरीके से चलती है, अभी उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। इसी के साथ में कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी भी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और वे बंगाल में जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी है जैसे यहाँ पर अर्कावती हो गया, हेमावती, लक्ष्मण, ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें भी कई बार स्टेटमेंट में बन जाती है। इस रिवर के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को जो पता होना चाहिए, कर्नाटका से निकलती है और चार जगह इसका पानी डिवाइड होता है, एक होता है यहाँ पर कर्नाटका में, दूसरे तमिलनाडु में, केरला में और पुदुचेरी में। सबसे ज्यादा जो पानी आता है वो आता है तमिलनाडु के हिस्से में, दूसरे नंबर पर कर्नाटका, तीसरे नंबर पर केरला और चौथे नंबर पर पुदुचेरी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 2018 का, जिसके बेस पर इसका डिवीजन आप लोगों को देखने को मिला। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। वे बंगाल में जाकर यहाँ पर ये रिवर जो है वो गिर जाती है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर ये बातें बताई, ठीक है। तो कंफ्यूजन अभी आप लोगों इसके बारे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके।
एक यहां पर ये होगी इसके बारे में चीजें। बाकी हमारी कंट्री के सिटीजन को लाया जा रहा है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, इसके बारे में भी छोटा सा आर्टिकल अभी आप लोगों को देखने को, एक सेकंड, छोटा सा आर्टिकल अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी कई सारे और लोगों को निकाल लिया गया है तो एक अच्छी बात है। तो ऑपरेशन जो चल रहा है अभी मैंने आप लोगों को बताया ऑपरेशन गंगा, तो उसके याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि बीजिंग के अंदर एक AIIB जो बैंक है रशिया के और बेलारूस के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको होल्ड कर दिया गया है। तो यहां पर ये न्यूज में आ गया तो पूछेंगे नहीं प्रोजेक्ट होल्ड कर दिया गया क्या चल रहा है, पर लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यहां पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, ये एक ऐसा बैंक है जो कि यहां पर एम करता है सपोर्ट करने के लिए इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर। अगर बात करें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, बेसिकली क्या क्या ढांचागत विकास करने हैं। 16 जनवरी 2016 में बेसिकली यहां पर ओपन किया गया था, फॉर्मेशन किया गया, चीजें हुई आगे, फिर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉपर एग्रीमेंट जो थे इनफोर्स किया गया था 2015 में। तो यहां पर एक रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक है यहां पर जो कि क्रेडिट देता है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग के अंदर देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एशिया और ओशियानिया यानी कि एक तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया और जो बेसिकली न्यूजीलैंड वाला रीजन है यहां के लिए भी काम करता है, ऐसा नहीं कि बस ये एशिया के लिए काम करते हैं। तो एशिया शब्द लिखा हुआ था, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी अभी पूछा था एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, अगर प्रीलिम्स का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस वहीं के काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर मेंबर हैं आज के में, चेक करिएगा यही है अब बढ़ गए हैं या फिर ये आप लोगों को चेक करना है। इंग्लिश जो है यहां पर लैंग्वेज बोली जाती है और प्रेसिडेंट कौन है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पर काम करते हैं, तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर ये बातें कर रखी है जो कि आप लोगों को डिटेल में बतानी चाहिए। आगे यहां पर बात करें तो बोला गया कि YouTube जो है हमारी कंट्री में जो काम करते हैं तो इसके चलते यहां पर YouTube जो है उसके द्वारा हमारी इकोनॉमी में 6,800 करोड़ रुपए यहां पर कंट्रीब्यूट किए गए 2020 के अंदर में। इन्हें कहने का मतलब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के दिन बहुत सारे लोग जो है YouTube पर काम कर रहे हैं और इसके चलते यहां पर ये लगभग इक्विवेलेंट है कि हमारी कंट्री में लगभग 6,83,000 जॉब क्रिएट हो गई हो। तो एक ऐसी स्टडी यहां पर सामने निकल कर आ रही है। मुझे कभी कभी जब ये ऐसी चीजें देखता हूं तो मुझे लगता है सोचो अगर ये यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म अपने ही देश का होता तो कैसा रहता, क्योंकि यहां पर जब YouTube के ऊपर कोई आप लोग काम करते हो तो आधी कमाई जो है वो YouTube अपने आप रख लेता है, ठीक है। तो यानी कि आधी कमाई जो है विदेशों में चलेगी। अगर ये सारी कमाई अपने ही देश के अंदर रहती, हमारे ही GDP में लगती तो कैसा रहता, तो होता ना बड़ा शानदार काम यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग बना बनाया खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये दिक्कतें देखने को मिलती है। चलिए जो भी है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। बाकी एक गेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो खबर यहां पर निकल कर आ रही है, और हाँ ये जो खबर थी यहां पर बिजनेस पेज पर आप लोगों को देखने को मिले, गेम वाले पेज पर एक खबर है जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है। अब तक टोटल मिलाकर 12वां एडिशन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा वुमेन वर्ल्ड कप का जो कि स्टार्ट किया अभी, ठीक है। तो कहां पर, ये न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। अब तक यहां पर अगर बात करें 1973 से 1978 तो देखने को मिलेगा ओनली 3 कंट्री है जो कि कई बार यहां पर जीती है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, और इंग्लैंड हो गया। देख सकते हैं यहां पर इंग्लैंड हो गया, ठीक है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ये कंट्री है जिन्होंने यहां पर दबदबा दबा रखा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। इंडिया जो है उसके द्वारा यहां पर वर्ल्ड कप में डेब्यू किया गया था 1978 के अंदर में। न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियन निकल के आता है कई बार आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिला। तो अभी यहां पर देखते हैं हमारी कंट्री कैसा परफॉर्म कर पाती है। कई जगह हम लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी यहां पर, ठीक है, रनर अप के तौर पर भी हम लोग यहां पर रहे। तो हमारी कंट्री की जो वुमेन टीम है अप्रिशिएट करने लायक, उनका आप लोगों को यहां पर बेसिकली एक काम देखना चाहिए, ठीक है, यानी काफी अच्छा काम हमारी इंडियन टीम के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। तो ये बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये गेम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, शानदार तरीके से आंसर देंगे यहां पर दीपांश के द्वारा, तो काफी अच्छे से यहां पर आप लोग देखते हैं मैंने सारे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर दिए गए इनके द्वारा। आर्टिकल 27 अटोर्नी जनरल जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 76। अच्छा, यहां पर अगर बात करें अटोर्नी जनरल के अपोजिट जो स्टेट के अंदर होते हैं वो कौन होते हैं, वो उनके बारे में बताइए, वो कौन से आर्टिकल में होते हैं ये बताना है। तो यहां पर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल हो गए लोकसभा के लिए और इंडिविजुअल प्रेसिडेंट के लिए याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा है आज के में। मिलान एक्साइज के बारे में अभी आप लोगों से मैंने आंसर भी बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, इसकी थीम होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखिएगा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ये क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट, और ये सी में देखने को मिलेगी आर्टिकल के अंदर में। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया है। तो आज के SLV जो चैंपियन है यहां पर कमांडो वो है यहां पर दीपांश, ठीक है। तो कांग्रेचुलेशंस दिया, तो अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट किया करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। और ये आज का सुडोकू है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, इसको भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे यहां पर इनका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। USA के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था, एल गोर, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जिनका नाम है एल गोर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये सारी जो भी रिपोर्ट है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछ लिए गए हैं। तो ये डिटेल में डिस्कस किया। इसी के साथ में मिलान एक्साइज के बारे में जो ये क्वेश्चन पूछा था,
ये डिटेल में मैंने कवर किया था, तो आंसर है यहाँ पर डी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम वगैरह ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पर, काफी डिटेल में सारी चीजें कवर की हैं। तो याद रखिएगा 95 में ये एडिशन स्टार्ट किया गया था, चार कंट्री थे, पर अभी यहाँ पर 22 कंट्री यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों को, अभी 22 कंट्री पार्टिसिपेट करी थी, अभी यहाँ सॉरी 2022 की होगी, सॉरी 2022 के, मतलब अभी यहाँ पर 18 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, अभी 40 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा, तो इंडिया के द्वारा जो इसकी स्टार्ट की गई, तो काफी इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, तो सारी बातें यहां पर एक एक कर मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी इसको लेकर जरूर आई होगी। थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बात करें, और पांच नई वोकैबुलरी आज की आप लोगों की ऐड करूं यहां पर मैं। एप्रीहेंशन मतलब होता है एक तरीके से आशंका बोल सकते हैं, एंजाइटी रहती है किसी चीज को लेकर, तो ये शब्द होगा। स्पेल्स होता है अवधि, ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर बोला गया एम्पैथेटिक, सहानुभूति दिखाना। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही ज्यादा एक ये सहानुभूति दिखाई उसने, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, परमिसेबल एक तरीके से मुनासिब, परमिट करना, अलाउ करना। टैक्टिक रणनीति, टैक्टिक बोलते हैं कि फील्ड में जा रहे हैं, जैसे युपतिन साहब जो अलग टैक्टिक्स दिखा रहे हैं, तो सारी चीजें हैं। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा फीडबैक देकर आप लोग जरूर बताएगा, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और मेरे साथ में यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, और मंथली वीडियो किस किसने देख ली है उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करना, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए, तो मोज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।